दोस्तों, क्या हाल है? कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुंचे। दोस्तों, हमारी आज की जो वीडियो है, ये सफ़र हमें किया था खामोश वाटरफॉल, खामोश आबशार वादी खरमंग से, खांचे वादी के डिस्ट्रिक्ट सदर मुकाम खपरू तक। और ये सफ़र हमने अपने 2023 के सर्दियों के पहले टूर के दौरान किया था। और ये सफ़र दोस्तों हमने किया था 13 जनवरी 2023 को। दोस्तों, ये टोटल जो सफ़र है ये तकरीबन 126 किलोमीटर बनता है और उमूमन इसको तय करने में 4 घंटे का वक्त लगता है। तो चूंकि ये सफ़र हमने सर्दियों में किया था, तो जब हम खामोश वाटरफॉल से अपने सफ़र स्टार्ट किया तो स्नोफॉल हो रही थी और बहुत ज़बरदस्त मौसम था। और ये सारा सफ़र खामोश वाटरफॉल से लेके स्कर्दू खपरू रोड तक दरियाए सिंध के साथ है। और जब हम स्कर्दू खपलू रोड पे खरमंद वादी से हम राइट मुड़ते हैं कांचे एक साइड पे, तो वहाँ से ये सफ़र जो है फिर सारा शुरू हो जाता है दरियाए शयोग के साथ, जिसको कि मौत का दरिया भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये चूंकि सफ़र हमने सर्दियों में किया था, तो सर्दियों में तकरीबन सारे बाजार बंद थे, यहाँ पे इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई थी। और इस सारे इलाके में एसकॉम की जो सर्विसेज है वो जगह जगह 4G, 3G, 4G और वॉइस कॉल जो है वो अवेलेबल थी। तो सफ़र हमने बहुत एहतियात से किया, क्योंकि सड़क पे स्नो जमी हुई थी, कई जगहों पे आइस बनी हुई थी। और जब हम खपलू पहुँचे तो रात का वक्त हो चुका था, और रात के वक्त हमें मज़ीद एहतियात करनी पड़ रही थी, क्योंकि रात के वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा था सामने के आइस जमी हुई है, हल्की हल्की लेयर या नहीं जमी हुई। क्योंकि अमूमन इन इलाकों में जब शाम के वक्त पानी जो होता है सड़क पे वो जम जाता है और वो आइस बन जाता है, जिसके ऊपर अगर आप गाड़ी तेज़ चलाते हुए आए और कहीं पे भी हल्की सी अगर ब्रेक लगाएं तो गाड़ी फौरी तौर पे जो है स्लिप होती है, और यहाँ उसका दरिया वाले साइड पे जाने का चांस होता है और यहाँ उसका साइड पे जो है वो पहाड़ में लगने का चांस होता है। तो दोस्तों, ये सफ़र हमने बहुत इंजॉय किया और बड़ा हमें मज़ा आया, बहुत खूबसूरत नज़ारे थे। अगर आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि बहुत खूबसूरत नज़ारे थे। बर्फ़बारी हो रही है हल्की हल्की खामोश वाटरफॉल से जब हमने सफ़र स्टार्ट किया, और दरिया साथ साथ है, सड़क पे भी बर्फ़ पड़ी हुई है। दरिया जो है वो दरियाए सिंध, उसमें भी उसके साथ जो पत्थर हैं उन पर बर्फ़ पड़ी हुई है, जो दरख्त हैं उनके ऊपर भी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा था और देखने से ताल्लुक़ रहा था। अच्छा दोस्तों, सर्दियों में जब आप इन इलाकों में टूर पे जाएं तो कोशिश करें कि ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी चीज़ें हैं वो साथ लेके जाएं, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई होटल आपको खुला हुआ मिलेगा खाने वाला, और ना कोई रहायश वाला होटल मिलेगा आपको, क्योंकि पानी जम जाता है तो ये लोग बंद कर जाते हैं। और चूँकि कस्टमर नहीं होते इसलिए अमूमन दुकानें भी बंद ही होती हैं। तो कोई भी ज़रूरियात ज़िंदगी की आपकी दवाई है, आपको चाहिए खाने पीने का सामान है, पानी है, कोशिश करें ये सारा आप स्कर्दू से लेके जाएं, क्योंकि हो सकता है इन इलाकों में सर्दियों में आपको ये सामान ना मिले। दोस्तों, क्या हाल हैं? कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को मसूद गोंदल का सलाम पहुँचे। दोस्तों, ये जो हमारी आज की वीडियो है, ये सफ़र हमने किया था 27 जनवरी 2023 को, और ये हमारा 2023 की सर्दियों का दूसरा टूर था। और ये सफ़र हमने किया था जहाँ पे सवात मोटरवे का आगाज़ होता है, वहाँ से लेके कुमराट वादी तक, टल थल से आगे कुमराट वादी तक का हमने सफ़र किया था। दोस्तों, ये तकरीबन 300 सवा 300 किलोमीटर का फासला है और इसको तय करने में तकरीबन 7 से 8 घंटे लग जाते हैं।
ये चूंकि हमने सफ़र सर्दियों में किया था तो सफ़र बहुत ज़बरदस्त था हमारा, खसूसन जो है वो जब हम कुमराट के नज़दीक पहुँचे टल से पहले, यानी बाबे दीर से जब हम उस पे कुमराट रोड पे हुए वो बहुत खूबसूरत हो गया, क्योंकि आगे जगह जगह बर्फ़ जमी हुई थी और जो सड़क भी थी उस पे भी बर्फ़ थी और गाड़ी चलाना चैलेंजिंग भी था। और जाते हुए तो हमने कोई चेन्स वगैरह नहीं चढ़ाई, घुमराहट में हमारी गाड़ी जाके एक दो जगह पे फंसी 4x4 लगाने के बावजूद भी, फिर हमने जाके वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी और वहाँ पे फिर हम अगले दिन सुबह जो गाड़ी निकाली थी तो उसमें चेन्स चढ़ा के फिर हमने गाड़ी निकाली थी। अच्छा दोस्तों, चूंकि हम लोगों ने ये सफ़र अपना शुरू किया था मुल्तान से अगल सुबह, जब हम सवात मोटरवे पे पहुंचे तो उस वक्त तक शाम के 3 बज चुके थे। और शाम के 3 बजे अगर आप सवात मोटरवे से स्टार्ट करें तो आप डे डे में कुमराट या टल नहीं पहुंच सकते। तो फिर मैं बुरी मुद्दत से, मेरा ये काम है कि मैं तिमरगरा में रात को ठहर जाता हूँ। तिमरगरा में एक बहुत अच्छा होटल है, साफ सुथरा होटल है, मेन बाजार शुरू होने से थोड़ा सा ही पहले, शेल्टन होटल के नाम से एक बहुत अच्छा होटल है, साफ सुथरा होटल है, किराया भी वो मुनासिब लेते हैं, 3-4 हज़ार, 4-5 हज़ार रुपये उनका किराया होता है। तो उसमें वो बड़ा ज़बरदस्त साफ सुथरा एयर कंडीशन, सर्दियों में यानी उन्होंने हॉट एंड कूल लगाया होता है, तो बहुत ज़बरदस्त हमने वहाँ पे रात स्पेंड की। तो जब हम ये सवात मोटर से हमने सफ़र शुरू किया तो फिर हम शाम को तकरीबन 6 बजे तक हम पहुँच गए थे तिमरगरा में। रात फिर हमने वहाँ पे शेल्टन होटल में गुजारी और शेल्टन होटल से हम सुबह निकले, नाश्ता किया हमने बाज़ार में, क्योंकि सर्दियों में गेस्ट कम होते हैं तो होटल का नाश्ता बनने में थोड़ा वक्त लगना था। तो फिर हम जो है वहाँ से निकले और बाज़ार में नाश्ता किया और फिर हम नॉन स्टॉप चलते हुए तकरीबन रास्ते में रुकते हुए हम जो है वो कुमराट पहुँच गए। और कुमराट जब हम पहुँचे तो तकरीबन 3 से 4 फुट बर्फ़ थी और हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, कोई किसी किस्म का कोई रश नहीं था, तमाम होटल वहाँ पे बंद थे और बहुत ज़बरदस्त तन्हाई थी और बहुत ज़बरदस्त नेचुरल ब्यूटी जो थी वो हमने कुमराट में उस रात को देखी। उस रात को लाइव जो है वो स्नोफॉल भी हुई और वो भी हमने ऑब्ज़र्व की। सुबह जब हम उठे तो हमारी जो है वो गाड़ी उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई थी थोड़ी थोड़ी, और फिर हम आगे गए जहाँ तक हमारी गाड़ी जा सकती थी वहाँ तक हमने सफ़र किया, तो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा दोस्तों, इस ट्रैक पे जब आप जाएँ तो कोशिश करें कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी हो, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस 2 दफ़ा हमारा चेक हुआ, एक दफ़ा चकदरा में चेक हुआ और चकदरा से एक दफ़ा जब हम आगे निकल गए तो दीर में, बाबे दीर से पहले भी ट्रैफिक पुलिस वाले थे, उन्होंने हमारा लाइसेंस जो है वो दोबारा चेक किया। तो जो भी दोस्त हैं, आप चित्राल जाना चाह रहे हो खसूसन पंजाब नंबर प्लेट गाड़ियों के साथ, या कुमराट जाना जा रहे हो, तो वो गाड़ी के कागजात भी पूरे रखें और अपने साथ जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस भी रखें। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो हमारे सवात मोटरवे के आगाज़ से कुमराट वादी के हमारे सर्दियों के टूर का 12वां हिस्सा है। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखिए और जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बराए करम उसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके। खुश रहें दोस्तों, दुआ में याद रखें, बहुत शुक्रिया।